We'll figure this out, I promise. इस मूवी की शुरुआत होती है कुछ लाइंस को दिखाते हुए, जहां पर ये लिखा हुआ था कि हर साल हजारों लोग आते हैं हॉलीवुड में अपना सपना पूरा करने के लिए। उनमें से कुछ लोगों के सपने पूरे होते हैं और कुछ लोग वापस अपने घर चले जाते हैं और कुछ लोग कहीं पर गायब हो जाते हैं। तो आखिरकार लोग गायब क्यों होते हैं? क्या वो अपनी मर्जी से कहीं चले जाते हैं या फिर कोई उन्हें मार देता है? तो इस बात का पता हमें कहानी के आगे ही पता चलेगा। कहानी में फिर लक्ष्मी नाम के एक होटल में बहुत सारे लोग रेंट पर रहा करते थे, पर अब उस होटल का रिनोवेशन का काम चल रहा था। उस होटल के बाहर एम्बुलेंस भी आई हुई थी जो कि किसी बॉडी को उठाकर ले जा रही थी। फिर हमें डेजी नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो कि उसी बिल्डिंग में रहा करती थी। उस बिल्डिंग में बहुत सारी जगह पर कुछ अजीब सिंबल्स लगे हुए थे। फिर नेड नाम का एक आदमी वहाँ पर बिल्डिंग में इलेक्ट्रिक का काम कर रहा था। उस बिल्डिंग की रिसेप्शनिस्ट लुइस और डेजी थोड़ी देर पहले हुए एक्सीडेंट के बारे में ये बातें कर रही थे और थोड़ी देर पहले हुए एक्सीडेंट में उसी बिल्डिंग में रहने वाले एक बूढ़े आदमी की मौत हो गई थी। कुछ बातें करने के बाद में डेजी लिफ्ट में जाती है और लिफ्ट के अंदर उसे एक टूल बॉक्स दिखता है, लेकिन वो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। रिनोवेशन की वजह से वहाँ की लिफ्ट बार बार रुक रुक कर चल रही थी और वो किसी तरह से अपने रूम तक जाती है। रूम में अंदर आने के बाद में वो अपना डोर अच्छे से लॉक कर लेती है। फिर बेडरूम में जाकर डेजी अपने कपड़े चेंज करती है। लिविंग रूम में वापस आकर वो देखती है डोर का लॉक खुला हुआ है, जिसे देखकर वो हैरान हो गई थी और उसे अच्छे से याद था कि उसने डोर को लॉक किया था। फिर अचानक से एक मास्क पहने किलर डेजी पर हमला कर देता है और डेजी अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो किलर हथौड़े से मार मार कर डेजी को मार डालता है और पूरा रूम डेजी के खून से भर गया था। फिर हमें एक कपल दिखाया जाता है जिसका नाम नेल और स्टीवन था, जो कि वहाँ पर नए नए शिफ्ट हुए थे। नेल उस होटल की हालत देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं था, पर उसके पास जाने के लिए दूसरी जगह नहीं थी। तभी वहाँ पर उस होटल का मैनेजर बैरन आता है। फिर नेल स्टीवन उस रूम के प्रॉब्लम्स के बारे में मैनेजर को बताते हैं, लेकिन मैनेजर उनकी बातों को इग्नोर कर उसे होटल में लगे हुए सिंबल्स के बारे में उनको बताता है और कहता है कि ये होटल बहुत पुराना है और इसीलिए वो इसको अच्छे से रिनोवेट कर रहे हैं और तब तक उनको कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। मैनेजर के जाने के बाद में स्टीवन और नेल एक दूसरे के साथ में रोमांस करने लगते हैं और तभी उनके रूम में एक लड़की आती है जो कि उनके पास के रूम में रहती है। वो उनका फ़ोन यूज़ करने के लिए आई थी। वो उन्हें बिल्डिंग में हो रही अजीब आवाज़ों के बारे में बताकर वहाँ से चली गई थी। फिर हमें एक जूलिया नाम की लड़की दिखाई जाती है जो कि उसी होटल के बिल्डिंग में रहती थी। जूलिया सिंगल थी तो वो खुद के लिए इंटरनेट पर अपना पार्टनर ढूंढ रही थी। तभी हम ये देखते हैं कि होटल में रहने वाले ऑस्टिन नाम के लड़के ने जूलिया का लैपटॉप हैक कर रखा है, जिससे कि वो जूलिया की हरकतों पर नज़र रखे हुए था। दूसरी तरफ नेल जब अपने रूम में थी तो उसे पड़ोसी लड़की की आवाज़ सुनाई देती है जिसका झगड़ा उसके बॉयफ्रेंड के साथ में चल रहा था। नेल अपने कपड़े लेकर लॉन्ड्री रूम में जाने के लिए लिफ्ट में जाती है और तब वहाँ पर उस लड़के का बॉयफ्रेंड भी लिफ्ट में आ जाता है। वो लड़का नेल से कुछ कहता नहीं है, पर नेल उसके साथ लिफ्ट में अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। लॉन्ड्री रूम में जाते समय नेल को वही टूल बॉक्स दिखाई देता है, पर वो उस पर ध्यान नहीं देती है और वो आगे बढ़ती है और तभी नेड उससे टकरा जाता है। वो नेल को सॉरी बोलकर उसे लॉन्ड्री रूम का रास्ता समझाकर वहाँ से चला जाता है। लॉन्ड्री रूम में नेल को चेस नाम का एक बूढ़ा आदमी मिलता है और दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं और चेस ये कहता है कि ये बिल्डिंग जैक लक्ष्मण नाम के एक आदमी ने बनाई थी और वो इसी बिल्डिंग का मालिक भी था। अब रात को जूलिया जॉगिंग करके होटल में आती है और लिफ्ट में उसे नेड मिलता है जो कि उसे बुरी तरह से घूर रहा था और लिफ्ट से निकलकर जूलिया अपने रूम में जाती है। नेल को होटल के रूम में चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है और डरकर पुलिस को बुला लेती है। फिर वहाँ पर पुलिस ऑफिसर मेलोडी और डेनियल आकर उस रूम को देखते हैं तो वहाँ पर एक एक्टर ब्रायन के साथ में एक्टिंग कर रहा था और ये देखकर नेल को बहुत ज़्यादा शर्म आती है। अब अगली सुबह नेल अपना रूम ठीक कर रही थी और गलती से नेल से दीवार पर छेद हो जाता है। उस दीवार के छेद से नेल को एक बॉक्स मिलता है और उस बॉक्स पर किसी के दांत थे। नेल स्टीवन को भी ये बॉक्स दिखाती है और नेल और स्टीवन जाकर उस बॉक्स को मैनेजर ब्रायन को दिखा देते हैं। ब्रायन कहता है कि वो दांत पहले वाली फैमिली के बच्चे के होंगे जो कि टूथ फेरी में बिलीव करके वहाँ पर रखे हुए होंगे, पर नेल को पता था कि वो दांत बच्चों के नहीं है और वो दांत किसी बड़े आदमी के थे। स्टीवन ये कहता है कि उसे ऐसा लगता है कि उन दांतों को उखाड़ कर निकाला होगा क्योंकि दांत के साथ में मास्क भी लगा हुआ था, जिस पर नेट कहता है कि शायद उन दांतों को ब्लैक मैजिक की वजह से वहाँ पर रखा होगा। ब्रायन नेट को उन दांतों को उस बॉक्स के साथ में ठिकाने लगाने को देता है। फिर स्टीवन उनके रूम में ये सब चीज़ें मिलने से ब्रायन पर गुस्सा होता है
और ब्रायन उनको सॉरी कहता है और उसको शांत करके वो उसे वहां से भेज देता है। अब नेड उन दांतों को ठिकाने लगाने की जगह उन दांतों को खाने लगता है और तभी लिफ्ट से जूलिया निकलती है और वो अपने नए बॉयफ्रेंड को अपने रूम में लेकर आई थी। नेड जूलिया को किसी और लड़के के साथ में देख बहुत ज्यादा जिलस फील करता है। नेल जब अपने रूम में थी तो उसे अपने पड़ोसी लड़के की आवाज़ सुनाई देती है जो कि अपने रूम में गाना गा रही थी। तभी वही किलर आकर उस लड़की पर हमला करता है और वो खील ठोकने वाली गन से उसे मार मार कर उस लड़की को मार डालता है। वो लड़की भी मरते दम तक चिल्ला रही थी और नेल को लगा कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ में झगड़ा कर रही है। नेल पुलिस को कॉल करती है और कुछ देर में वहाँ पर पुलिस आ जाती है। ऑफिसर मेलेडी और ऑफिसर डैनियल ब्रायन नेड और नेल उस लड़की के रूम में जाकर जब ये देखते हैं तो वहाँ पर उनको कोई नहीं दिखाई देता है क्योंकि उस किलर ने उस लड़की के डेड बॉडी को सीलिंग पर कीलों से ठोक कर रखा हुआ था। पर वो लड़की अभी भी मरी नहीं थी, वो अभी भी जिंदा थी लेकिन वो बुरी हालत में थी और उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। वो किसी को मदद के लिए बुला भी नहीं सकती थी क्योंकि उसके मुंह को भी कील से मारकर बंद कर रखा था। अब अगले सुबह नेल उसी पड़ोसी लड़की के बॉयफ्रेंड को देखकर उस लड़की के बारे में पूछती है लेकिन उसे भी अपने गर्लफ्रेंड के बारे में कुछ भी नहीं पता था और वो भी जल्दी उस होटल को छोड़कर जाने वाला था। वो नेल को ठीक से कुछ नहीं बताता और वहाँ से चला जाता है। फिर नेल और जूलिया एक साथ जॉगिंग करने जाते हैं और वे एक दूसरे से बातें करते हैं। नेल जूलिया को अपने फादर के बारे में भी बताती है जो कि कुछ ही समय पहले मर गए थे और नेल अभी भी अपने फादर को बहुत ज़्यादा मिस करती है। रात को ऑस्टिन फिर से अपने लैपटॉप पर जूलिया को देख रहा था और जूलिया अपने रूम के बाहर जाना चाहती थी लेकिन उसके डोर का हैंडल ही टूट चुका था। ऑस्टिन की माँ को यह पता लग गया था कि ऑस्टिन ने जूलिया के लैपटॉप को हैक करके उस पर नज़र रख रहा था। जूलिया के रूम में वही किलर आकर जूलिया पर अटैक कर देता है और वो किलर एक ड्रिल करने वाली गन से जूलिया के सर पर होल करके उसे मार डालता है। अगली सुबह नेल जॉगिंग पर जाने के लिए जूलिया का बहुत वेट करती है पर जूलिया नहीं आती है और किसी को पता नहीं था कि जूलिया का मर्डर हो गया है। अब धीरे धीरे उस होटल के लोगों को किलर मार रहा था और किसी को इस बारे में भनक नहीं थी। नेल लुइस को जूलिया के बारे में पूछती है पर लुइस को भी जूलिया नहीं दिखाई देती है। नेल के रूम पर भी उसे आवाज लगाती है पर नेल का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता है और तभी नेल ऑस्टिन के पेरेंट की बातें सुन लेती है। नेल को पता लग जाता है कि ऑस्टिन जूलिया के लैपटॉप के कैमरा से जूलिया पर नजर रखे हुए था। नेल ऑस्टिन के पास जाकर कल रात की जूलिया के रूम की फुटेज मांगती है लेकिन ऑस्टिन की माँ ने पूरा डाटा डिलीट कर दिया था और ऑस्टिन ये देख नहीं पाया था कि कल रात में जूलिया के साथ में क्या हुआ था। नेल इन सब चीज़ों से परेशान हो गई थी और स्टीवन भी काम की वजह से उसके पास नहीं था। नेल जूलिया के लिए एक लेटर लिखकर उसके डोर के पास में रख देती है और अचानक नेल के सामने चेस आ जाता है। चेस खुश नहीं था कि उसकी बिल्डिंग का रिनोवेशन हो रहा है और उसके मुताबिक बिल्डिंग के हिस्टोरिकल स्टाइल को बदला जा रहा है जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। नेल को चेस की बातों से कुछ अजीब लगता है और वो चेस की दी हुई मैगजीन को जब नेल खोलकर देखती है तो वहाँ पर उसे एक लेटर मिलता है जिस लेटर में लिखा था कि जूलिया को रूम नंबर 504 में ढूंढो। लेकिन नेल को उस होटल में कहीं भी 504 रूम नंबर नहीं मिलता है और सबसे अजीब बात तो ये थी कि उस बिल्डिंग पर 4 नंबर का कोई रूम था ही नहीं। इस बारे में वो ब्रायन और नेट को बताती है पर वो दोनों इस बात को इग्नोर कर देते हैं कि उनकी इस बिल्डिंग पर कोई भी मिस्ट्री नहीं है। नेल फिर लॉस एंजल प्रिजर्वेशन सोसाइटी में जाकर लक्ष्मण आर्मी बिल्डिंग के बारे में वहां पर पूछताछ करती है और वहां का एक एम्प्लॉय नेल को बताता है कि लक्ष्मण एक ऑकुलिस्ट था और उसने उस बिल्डिंग को साइंस और ब्लैक मैजिक को मिलाकर बनाया था। वहां पर लगे सभी सिम्बल्स एक ब्लैक मैजिक का स्पेल है और उस बिल्डिंग पर बहुत सारी मौतें हुई है। फिर मौका देखकर नेल उस बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट लेकर वहां से भाग जाती है। अब अपने रूम में आकर नेल बिल्डिंग के ब्लूप्रिंट पर रिसर्च करने लगती है और वो अपने ही हाथों पर उन सिंबल्स को ड्रॉ करने लगती है। अब फिर बिल्डिंग के दीवार को छूकर नेल को पता लगता है कि वो अंदर से खोखली है और पूरी बिल्डिंग को इन्वेस्टिगेट करके नेल को एक सीक्रेट डोर मिलता है। उस डोर के नीचे बिल्डिंग का एक अलग ही हिस्सा था और नेल उस डोर से नीचे गिर जाती है। नेल को उस जगह पर सभी मिसिंग नंबर्स के रूम मिल गए थे। इधर दूसरी तरफ बिल्डिंग में एक आदमी को किलर लिफ्ट में ही मार देता है और इस तरफ जब ऑस्टिन डिलीट हुए डाटा को रिस्टोर करता है तो उसे जूलिया की वो वीडियो मिल जाती है जहां पर किलर उसे मार डालता है। ऑस्टिन नेल को दिखाने के लिए उसके रूम में जाता है लेकिन नेल वहां पर नहीं थी और इसीलिए वो स्टीवन को ये सारी बातें बताता है। नेल उस सीक्रेट रूम से सब जगह को ध्यान से देख रही थी और तभी उसे एक रूम में बहुत सारी डेड बॉडीज का कंकाल और पड़ोसी लड़की की डेड बॉडी मिलती है जिसे देखकर वो डर जाती है और डर के मारे वो एक भारी चीज को गिरा देती है। उस चीज की वजह से बाहर के होटल की तरफ भी चीजें हिलती है और बाहर नेट को भी ये बात कुछ अजीब लग रही थी।
वो कुछ टूल्स अपने साथ में लेकर देखने जाने वाला था और अचानक वो किलर आकर वहां पर नेट को ही काटकर मार डालता है। किलर ने नेट का सर काटकर दो हिस्सों में बांट दिया था और अब नेट भी मारा गया था। स्टीवन को नेल के लिए बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी और उसे पता था कि नेल बिल्डिंग की मिस्टेक को ही सॉल्व करने में लगी हुई है। इस तरफ डेड बॉडी से डरकर नेल वहां से भाग रही थी, पर गलती से उसे एक पाइप गिर जाता है और पाइप किलर को मिल जाता है। उसे पता था कि वहां पर कोई आया होगा और किलर जब अपना मास्क हटाता है तो उसका पूरा फेस बिखरा हुआ था और वो एक मॉन्स्टर की तरह दिखाई दे रहा था। नेल भी उस किलर को देख लेती है और वो किलर अपने फेस पर कुछ इंजेक्शन लगा रहा था। अब फिर नेल डरकर सीढ़ियों से वहां से भागने लगती है, पर किलर उसके पीछे आ रहा था और वो एक रूम के अंदर आ जाती है, लेकिन किलर उसे देख लेता है और वो उस रूम के ही एक छोटे से होल के अंदर छुप जाती है। स्टीवन ने बिल्डिंग पर हुए मर्डर्स के बारे में ब्रायन और लुइस को बता दिया था और स्टीवन को एक सीक्रेट डोर मिलता है जिससे कि उस किलर की जगह पर जाया जा सकता था। स्टीवन ऑस्टिन को पुलिस को कॉल करने को कहता है और स्टीवन ब्रायन और लुइस किलर के रूम में एंटर करते हैं। वहां पर उनको जूलिया की डेड बॉडी और नेट का कटा हुआ सर मिलता है। फिर स्टीवन नेल को ढूंढने लगता है और दूसरे रूम में उनको बाकी की डेड बॉडीज मिलती है। वो तीनों सीढ़ियों से ऊपर जा रहे थे और अचानक किलर लुइस को पकड़कर अपने साथ में ले जाता है। वो किलर लुइस को एक बेड पर लेटा देता है और उसका सर फंसा देता है ताकि वो वहां से हिल नहीं पाए। अब फिर वो उसके हाथों पर हथौड़े से किलर ठोक देता है, जिसके बाद में वो एक केमिकल लुइस के पूरे फेस पर डालता है जिससे कि उसका फेस जलने लगा था और कुछ ही देर में लुइस का पूरा फेस जल गया था। लुइस के चिल्लाने की आवाज स्टीवन और ब्रायन को सुनाई देती है और उनको पता था कि किलर ने उसे पकड़ लिया है। वे लोग डर के भागने लगते हैं और स्टीवन को नेल मिल जाती है। किलर वहां पर भी आकर ब्रायन की पीठ पर वार करता है और किलर ने ब्रायन की स्पाइनल कॉर्ड को ही काट दिया था जिससे कि ब्रायन वहीं पर मर जाता है। नेल और स्टीवन दीवार के उसी होल के अंदर घुस जाते हैं और वहां से वो दोनों भागने लगे थे। किलर भी उनके पीछे था, लेकिन उस जगह की फ्लोर टूट जाती है जिससे कि वो नीचे रूम में गिर जाते हैं। किलर उन्हें देख लेता है और उस रूम में सड़े गले डेड बॉडी पड़ी हुई थी। नेल ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर गई थी और स्टीवन उसे संभालता है। फिर वे दोनों उस रूम से बाहर जाते हैं और उनको वहां पर चेस मिलता है। चेस उनको बताता है कि वो किलर एक कॉफिन बेबी है, मतलब कि चेस की वाइफ जब मारी गई थी तो वो प्रेग्नेंट थी। चेस की वाइफ को जब कॉफिन में दफनाया गया था तब वो पैदा हुआ था और चेस नेल और स्टीवन को वहां से बाहर निकलने के लिए अपने साथ में लेकर जाता है, लेकिन अचानक से उन डेड बॉडीज के बीच में से वो किलर निकलता है। चेस उस किलर पर हमला कर देता है पर उस किलर को कुछ नहीं होता है। फिर वो किलर चेस को ही मार डालता है। स्टीवन उस किलर पर हमला करता है पर किलर उसे ही जख्मी कर देता है। अब किलर नेल को पकड़कर अपने साथ में ले जा रहा था। वो उसे बेड पर लेटाकर वो नेल के हाथों को बांध देता है और वो एक चेनसो से नेल को अब काटने वाला था, लेकिन तभी स्टीवन वहां पर आकर एक हथौड़े से किलर पर कई बार वार करता है और वो एक कैबिनेट उस पर गिरा देता है, जिसके बाद में नेल और स्टीवन फाइनली फ्री हो जाते हैं। अब कुछ देर के बाद में वहां पर पुलिस आती है और स्टीवन को हॉस्पिटल ले जाती है और हैरानी की बात यह थी कि पुलिस को कहीं पर भी उस किलर की बॉडी नहीं मिली थी। नेल अपने रूम में जाकर फ्रेश होती है और नेल अपना सामान पैक कर रही थी और तभी अचानक से विंडो को तोड़कर वहां पर किलर आ गया था और वो नेल का गला घोटने लगता है। फिर नेल एक लैंप से उस पर वार करती है और किलर अब नेल को जान से मारने वाला था, पर नेल के हाथ पर बनी हुई वो बिल्डिंग के सिंबल्स को देखकर रुक जाता है और तभी वहां पर पुलिस आकर उसे कई बार गोलियां मारती है। वो विंडो से बिल्डिंग के नीचे गिर जाता है पर एक लैंप की तार उसके गले में अटक जाती है जिससे कि उस तार से उस किलर को फांसी लग गई थी और वो अब मारा जाता है। लेकिन कुछ देर के बाद में पुलिस को किलर की डेड बॉडी फिर से कहीं भी नहीं मिलती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिरकार किलर की डेड बॉडी बार बार कहाँ गायब हो जाती है। तो उस बिल्डिंग को लक्ष्मी ने ब्लैक मैजिक से बनाया हुआ था और वो खुद भी ब्लैक मैजिक करता था, तो उस बच्चे में डेमन की शक्ति आ गई थी और उसी की वजह से चेस की वाइफ मर गई थी, लेकिन फिर भी वो बच्चा कॉफिन में पैदा हुआ था। लक्ष्मण भी ब्लैक मैजिक के चक्कर में कहीं गायब हो गया था। बिल्डिंग पर बने ब्लैक मैजिक के सिंबल्स उस किलर को कंट्रोल करते थे और इसीलिए नेल के हाथ में वो सिंबल देखकर वो उसे नहीं मार पाया था और उस किलर पर डेमोनिक शक्तियां थी और इसीलिए वो बार बार मरकर भी जिंदा हो रहा था। तो दोस्तों ये था द टूल बॉक्स मर्डर का एक्सप्लेनेशन। आई होप कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको इस चैनल पर बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस मिल जाएंगे। तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में।